फ्रेंड्स कैसे हैं आप, एकदम बढ़िया। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही कह रहा हूं, अगर आपके पास कोई काम है तो पहले जाकर उस काम को पूरा करें, जब आप फ्री हो तब इस वीडियो को देखना और शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना, ठीक है समरिया? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक मिनी पावरफुल ब्लूटूथ स्पीकर। भाई अब आप कहोगे कि आपके चैनल पर पहले से ही बहुत ज्यादा ब्लूटूथ स्पीकर की वीडियो पड़ी है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जो हमने ब्लूटूथ स्पीकर बनाया है इसमें मैंने मायावी शक्तियाँ डाल दी हैं। मगर क्यों? जैसे कि ये ब्लूटूथ स्पीकर वाटरप्रूफ होगा, लाइट वेट होगा, बैटरी परसेंटेज दिखाएगा और साइज में बिल्कुल छोटा होगा, जिससे आपको कैरी करने में इसे नो टेंशन, ये आपकी पॉकेट में आराम से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूंगा, आप वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है तो सब्सक्राइब कर दिया करो। तो मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए या ना आए वीडियो पर लाइक जरूर से ठोक देना। तो अब चले वीडियो की तरफ। गाइज इस स्पीकर को बनाने के लिए मैं पीवीसी पाइप का यूज करूंगा, आपको भी पीवीसी पाइप का यूज करना है अगर वाटरप्रूफ स्पीकर बनाना चाहते हो तो। अब इस पाइप की शीट बनाकर पीस कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो पीस मैंने कट किए हैं, 11.5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बाई 6.5 सेंटीमीटर दो पीस, 6 सेंटीमीटर बाई 11.5 सेंटीमीटर दो पीस। तो आप सोच रहे होंगे इस पीस की मोटाई इतनी ज़्यादा क्यों है, तो मैं आपको बता दूं मैंने 3 पीस काट कर उन्हें आपस में चिपका कर इस पीस की मोटाई इतनी ज़्यादा कर दी है। उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये है जो हमारे नट है एक पीस लगाने पर सामने से दिखते थे, जिससे हमारे स्पीकर का पूरा लुक खराब हो जाता था, और अगर हमारा स्पीकर कहीं पर गिरता था तो ये सामने वाली पाइप टूट जाती थी जिससे हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मैंने यहाँ पर एक LED भी लगा दी है सामने, और ऐसे स्पीकर का यूज करना है जिसमें नट कसे जाते हों। इस स्पीकर को बनाने के लिए हमें वाटरप्रूफ स्पीकर चाहिए, लेकिन मेरे पास वाटरप्रूफ स्पीकर नहीं था, तो मैंने एक स्पीकर और बेस रेडिएटर को वाटरप्रूफ कर दिया है। जो स्पीकर है इसके बीच में मैंने एक पतली प्लास्टिक की शीट को काट कर लगा दिया है और साइड में बोन टाइट लगा दी है दोनों साइड। ऐसे बेस रेडिएटर पर भी मैंने साइड में बोन टाइट लगा दी है, जिससे हमारे दोनों स्पीकर और बेस रेडिएटर वाटरप्रूफ हो गए हैं। अब हमारे स्पीकर और बेस रेडिएटर को चिपका कर बोन टाइट लगा देते हैं और इसे बिल्कुल वाटरप्रूफ कर देते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने 3 पीसों को चिपका कर अच्छे से बोन टाइट लगा दी है। बोन टाइट लगाने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। और ये 4 होल मैंने किस लिए किए हैं मैं आपको बताता हूँ, और इसके अंदर हम कौन से कंपोनेंट का यूज करने वाले हैं वो भी दिखाता हूँ। तो मैं इसमें यूज करूँगा TG-113 का एम्पलीफायर बोर्ड, जिसके मैंने सभी कॉम्पोनेंट निकाल दिए हैं क्योंकि हम सिर्फ ब्लूटूथ चलाएंगे इस एम्पलीफायर बोर्ड से। और ये है मोबाइल की बैटरी जो कि आपको आपके घर पर कहीं भी मिल जाएगी। मैं इसमें ये चार्जिंग मॉड्यूल यूज़ करने वाला हूँ। ये जो है पावर बैंक मॉड्यूल था, मैंने इसके कंपोनेंट निकाल कर इसे चार्जिंग मॉड्यूल बना दिया है, और जो इसका जैक था उसे भी मैंने वाटरप्रूफ कर दिया है। चार्जिंग जैक के ऊपर कोई भी चिप्पी लगाकर उसके ऊपर अच्छे से बोन टाइट लगा देनी है, जिससे जो हमारी बोन टाइट है वो जैक के अंदर भी नहीं जाएगी और जो जैक है वो वाटरप्रूफ भी हो जाएगा। और ये जो है मॉड्यूल, इसमें 4 LED है जो हमारी बैटरी को इंडिकेट करेंगी हमारी बैटरी कितनी चार्ज है। तो मैंने ये होल है इसलिए किए थे। तो मैं इसमें ऑन ऑफ के लिए छोटे वाला स्विच यूज करूंगा, और इसे हम कैसे वाटरप्रूफ करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारे ऊपर वाला पीस था इसमें मैंने एक होल कर साइकिल की ट्यूब को लगा दिया है, जिससे हमारे इस स्विच के अंदर से पानी नहीं जाएगा।
और इस स्विच को लगाने के लिए मैंने एक पीवीसी पाइप का सर्कल कट कर उसके बीच में स्विच के साइज का होल कट कर दिया है, जिसमें हमारा स्विच लग जाएगा और अच्छे से बोनटाइट लगा देंगे, जिससे हमारा जो स्विच है ये वाटरप्रूफ हो जाएगा। और मैं स्विच में कॉपर का वायर यूज करूँगा। तो अब आते हैं इसके कनेक्शन पर। कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, वीडियो को स्किप मत करना। तो उससे मेरा क्या फायदा? उससे आपका ये फायदा होगा कि आपके कनेक्शन गलत नहीं होंगे। अब सीधा कनेक्शन की तरफ चलते हैं। जो हमारा स्पीकर है, इसमें जो हमारी एलईडी है, इसे हमने डायरेक्ट हमारे स्पीकर में सोल्डरिंग कर देना है और बोन टाइट लगा देनी है एलईडी के ऊपर, ताकि हमारी एलईडी वाटरप्रूफ हो जाए और इसके अंदर से पानी ना आए। जो हमारा चार्जिंग मॉड्यूल है, इसका प्लस और बैटरी का प्लस, माइनस और माइनस, ये सब बात तो आपको पता होगा। अब हमारे एम्पलीफायर बोर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने बैटरी लगा देनी है और यहाँ पर स्पीकर, और ये स्विच है इन दोनों पॉइंटों पर, या फिर इन दोनों पॉइंटों पर हमारे इस स्विच के वायर सोल्डरिंग कर देने हैं। तो आई होप आप कनेक्शन समझ गए होंगे। अब जल्दी से कनेक्शन कर देते हैं। तो हमने सभी कंपोनेंट लगा दिए हैं और कनेक्शन कर दिए हैं, और अच्छे से बोन टाइट भी लगा दिए सभी जॉइंटों पर। अब इसको बंद कर देते हैं और इन जॉइंटों पर भी बोन टाइट लगा देते हैं। अब फिनिशिंग कर देते हैं। फाइनली गाइज, हमारा ब्लूटूथ स्पीकर बनकर कंप्लीट हो चुका है। इसका जो लुक है वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पूरे मार्केट में आपको ऐसे लुक का स्पीकर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और वो भी वाटरप्रूफ और इतना सस्ता। अब मैं इसको आपको चार्ज लगा कर दिखाता हूँ। देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर जो बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, हमारी जो बैटरी वो 75% चार्ज है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। ब्लूटूथ मोड। कनेक्टेड। तो अब करते हैं इसका वाटर टेस्ट। तो वीडियो में मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके बताना ये स्पीकर आपको कैसा लगा। Not again, it's a red skin.